किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट का शेक। ओरियो बिस्किट में चॉकलेट फ्लेवर है, इसलिए बच्चों को तो ज़्यादा ही पसंद आता है, लेकिन हम भी यदि इसका शेक बना के पिए तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो आइए हम बनाते हैं ओरियो शेक। ओरियो शेक बनाने के लिए हमने 7-8 ओरियो बिस्किट लिए हैं, 2 आइस क्यूब है क्योंकि हमें यह शेक ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना है, और 2 छोटा चम्मच पिसी हुई शक्कर, क्योंकि बिस्किट वैसे ही मीठे हैं इसलिए हमने कम शक्कर यूज़ की है, आप इच्छा अनुसार ले सकते हैं, और 1 गिलास एकदम चिल्ड दूध, और गार्निशिंग के लिए कुछ टूटी फ्रूटी। इन सब चीज़ों के अलावा मैंने वेनिला आइसक्रीम ली है। इन आइसक्रीम को भी हम इन सब चीज़ों के साथ ब्लेंड कर लेंगे जिससे हमारा ओरियो शेक एकदम थिक बनेगा। सबसे पहले एक जार में हम बिस्किट डालेंगे, पिसी हुई शक्कर, आइसक्रीम, थोड़ा सा दूध डालेंगे हम अभी, बाकी का दूध बाद में डालेंगे, और ये हमने वेनिला आइसक्रीम ली है वो भी डाल देंगे, और इसको मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे। बचा हुआ दूध है वो भी डाल देंगे हम, और फिर से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमारा ओरियो शेक बनके तैयार हो गया है, अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। एक चम्मच आइसक्रीम हम ऊपर से डाल देंगे, 1 बिस्किट के हमने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए गार्निशिंग के लिए वो भी डाल देंगे, थोड़ी टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। इस तरह से आप ये शेक बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर पियेंगे। टूटी फ्रूटी ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें या ना डालें। ओरियो शेक जरूर बनाइए, मुझे यकीन है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर रहता है और अंदर क्रीम भी रहती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।